नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 23 जनवरी को इंदौर में जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़े मजदूर की मौत के मामले में अब पुलिस जांच पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार पर केस दर्ज किया है, क्योंकि इंदौर छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में इस दिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। यहाँ सीवरेज के काम के दौरान सड़क धस गई थी, जिसमें 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे थे। हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में आया था, जहां पर कुछ दिनों से सीवरेज का काम अमा इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा था। वहीं काम के दौरान 3 मजदूर गड्ढे के पास ही काम कर रहे थे, उसी दौरान जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही थी। वहीं अचानक से सड़क धस गई, जिसमें 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। मौके से एक मजदूर को सकुशल निकाल लिया गया है, वहीं दूसरे मजदूर को निकाल कर इलाज के लिए एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान तीसरे मजदूरों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन जेसीबी का पंजा मजदूर को लगने से उसका सर धड़ से अलग ही हो गया है। मृतक का नाम भीलन सिंह पटेल उर्फ ढिल्लू है, जिसकी मौत लापरवाही के कारण हुई है। हालांकि इस लापरवाही में जिम्मेदार ठेकेदार अमय एंटरप्राइजेस के अतुल तिवारी पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच हो चुकी है, अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बारी है। दिनांक 23/1/2022 को सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें हमने मर्ग पंजीबद्ध किया था। और मर्ग पंजीबद्ध करने के बाद हमने उसकी जांच की थी। जांच में हमने ये पाया था कि जिस ठेकेदार को नगर निगम ने ठेका दिया था, उसकी लापरवाही थी, तो जिसमें हमने आज अपराध पंजीबद्ध किया है। ये अमय इंटरप्राइजेज के जो अतुल तिवारी हैं, उनके खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध किया। ये मृतक का नाम है डेलेंसी नाम है उसका, और वो सिवनी का निवासी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।